नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। बिजनौर से राकेश कुमार की रिपोर्ट। नजीबाबाद में भाजपा कार्यकर्ता व फिल्म प्रोड्यूसर वसीम कुरैशी ने नगर के गरीब परिवारों को लिहाफ किए वितरण, लोगों ने दी दिल से दुआएं। रविवार को भाजपा कार्यकर्ता वसीम कुरैशी के पालोमल कॉलोनी मोहल्ला मुनीरगंज स्थित कैंप कार्यालय पर नगर के हजारों संख्या में पहुंचे जरूरतमंद लोगों के लिहाफ वितरित किया गया। वहीं वसीम कुरैशी ने कहा कि गरीब व जरूरतमंद परिवारों को लिहाफ वितरण करने का किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का लिहाफ लेते समय फोटो व वीडियो वायरल नहीं किया जाए। श्री कुरैशी ने कहा कि मेरा मकसद जरूरतमंद लोगों की खिदमत करना है, उन्हें बदनाम करना व रुस्वा करना नहीं है। क्षेत्र के सभी जरूरतमंद लोगों को लिहाफ का वितरण किया गया। वसीम कुरैशी ने कहा कि क्षेत्र के एक एक जरूरतमंद व्यक्ति को लिहाफ दिया जाएगा। इस अवसर पर हाजी यूसुफ, हाजी यूनुस, हाजी शमीम, मास्टर मोहम्मद असलम, अब्दुल सत्तार, पूर्व प्रधानाचार्य प्रदीप डेजी, विकास कश्यप, जितेंद्र जैन, हाजी नसीम, इरफान कुरैशी, इकराम कुरैशी, नाजिम सरफाज अहमद, सुरेंद्र प्रजापति, अब्दुल्ला शारिक आदि लोग मौजूद रहे। दिसंबर है, जिसमें डे है और श्री जन्मदिन है। आज वसीम कुरैशी जी के कैंपस में यहाँ उनका कैंप कार्यालय है, इसमें लिहाफों का वितरण किया जा रहा है और सभी लोगों को जो गरीब लोग हैं आए हैं उनको यहाँ बांटे जा रहे हैं और प्रत्येक रविवार भी बटेंगे और बीच में भी पूरे सप्ताह बटते रहेंगे। जो आते रहेंगे उनको यहाँ पूछते रहेंगे। जो है यहाँ कार्यालय पर इस तरीके से यहाँ पर बहुत यहाँ पर